हमारा जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है, और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके। और जो उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब उनका जो बेंगलोर सिटी आई थिंक सो वो सिलिकॉन सिटी है, आईटी का एक हब है, और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह हो। यहाँ पे अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो कोई अरफा करीम टावर होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना, अगर वो काम कर रहा होता तो शायद कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता। जब 4G ही नहीं पाकिस्तान में है तो 5G कैसे चल सकता है? देखें जी, ये हमारी एक बड़ी एक दीनी सी आ जाती है लॉजिक कि हम 5G लॉन्च क्यों नहीं कर रहे। तो उसके पीछे कहते हैं जी, वायरल जो हमारी डिजीज़ चल रही थी कोरोना के हवाले से, वो 5G के साथ लिंक्ड है। अच्छा। तो उस हवाले से जब तक ये एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा, तो 5G टेक्नोलॉजी आप कैसे वो लॉन्च कर सकते हैं। मैं हूं सनाम जतनाजी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गेम चेंजिंग 5G टेक्नोलॉजी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च कर दी है, और अब उनकी नज़र 6G पर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो 6th जनरेशन को वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसी वाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान में तो 4G ही ठीक से नहीं आता, जबकि इंडिया 5G के बाद 6G पर जाना चाह रहा है। तो आइए जानते इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन सादिक। उस्मान अदर। तनवीर। आप पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनसे सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज का तो कोई हाल ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब दुनिया हमारी 6th जनरेशन या 5th जनरेशन जैसे भी ज़्यादा जा चुकी है, तो हमारे पास तो अभी 4G भी नहीं अवेलेबल। भी अगर हम मेट्रोपोलिटन में खड़े हुए हैं लाहौर में, इधर आपको थोड़ा सा चले जाएँ थोड़ा रश वाले एरिया में, तो आपको इधर भी हमारी सर्विसेज नेट की ठीक नहीं मिलेंगी। 4G तो बहुत मुश्किल है कि भी आपको सिटी में मिल जाए, कुछ जगह पे आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। आमतौर पर देखा जाए तो 3G आपको इधर अवेलेबल होता है। अगर थोड़ा सा आप इससे मेट्रोपॉलिटन से थोड़ा सा पीछे चले, लोकल सिटीज़ की तरफ चले जाएँ, तो उसमें तो आपको 3G भी बहुत मुश्किल है। वो तो सिंपल आपको 2G या फिर वो ई कनेक्शन इंटरनेट सर्विस आती है, उससे भी बहुत कम सूरत हाल होती है। तब इतनी स्लो ब्राउजिंग होती है, तो इसका तो कोई भी नहीं है। पहले तो PTCL का मजाक बनाते थे कि बहुत ज़्यादा स्लो सर्विसेज हैं, लेकिन जब से ये मोबाइल या डाटा कनेक्शन वगैरह था, इनसे उम्मीद थी कि ये अपने आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, कंपटीशन की तरफ, लेकिन इसमें भी वही सूरत हाल है कि बहुत बुरी नेटवर्क सर्विस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 4G नाम का आ रहा है, बराए नाम हम 4G पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया और अब उनकी नज़र जो है वो 6G पर है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो हम 6G भी लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी 6th जनरेशन को जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इसमें यही सिचुएशन है कि आप अकेले उनमें टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें कि इस टाइम आपको जितने भी गूगल्स हो गया या फिर दूसरे भी फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया या दूसरे, उसमें आपको जो हेड हैं या फिर जो उनके सेकेंड हेड हैं उसमें आपको इंडियंस मिलेंगे। और अभी तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश में उन्होंने गूगल ने हेडक्वार्टर अपना बनाया, अब वो गूगल का CEO भी सुंदर आठ पुजाई है। तो इसमें यही है कि उनकी टेक्नोलॉजी दो कौमों की आपस में जो होती है, वो उनकी किस चीज़ को प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं, वो टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, लेकिन हमारा उस तरफ इतना ज़्यादा ख्याल जो हमारा उस तरफ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर वो हमारा शुरू से हमें जी शुरू से कंपेरिज़न किया जाए, अपने आपको शौक है कि अपने कंपेरिज़न करना इंडिया के साथ, तो टेक्नोलॉजी में तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमारे पास तो अभी बेसिकली कोई सोशल इस तरह का नेटवर्क भी नहीं है जो हम खुद कह सके ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया या इस तरीके से। इसके मुताबिक अगर इंडिया में देखा जाए तो उधर तो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं या फिर उनके सेमी हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं, और 5G और जिस तरह उन्होंने अपना रिसेंटली उन्होंने 5G लॉन्च की थी, अब 6G की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में वो ही 3G है और बहुत मुश्किल है जो 4G नेटवर्क सर्विसेज हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हमें इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं मिलेंगी, तो हम अपना कंपटीशन किसी भी कंट्री के साथ कैसे कर सकते हैं? डेवलपमेंट की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है जब हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड है। जब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज ही इतनी मुर्दा हालत में पाई जाएंगी, तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ क्या जाएगा?
यही सूरत हाल है कि इसमें हमारे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, हमें निकलना चाहिए अपनी थोड़े जो ऑर्थोडॉक्स सोच जितने भी हमारी थिंकिंग है, जो हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव जो हमारी है वो भी ख़त्म करनी चाहिए, और इसमें इनोवेशन की तरफ ही जाना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जो स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करें कि ये आप करें ये आईटी वगैरह के लिए, इसमें आपको टेक्नोलॉजी जो जितनी भी है टेलीकम्युनिकेशन है इसमें जितने भी इसके बारे में आपको इसके बारे में प्रोग्राम्स करें, सेमिनार्स करें, लोगों को इसके बारे में आगाही हो, और फिर जब आगाही होगी तो फिर वो अपनी जो डिमांड्स होगी गवर्नमेंट की तरफ से फिर उस वो अपनी उस तरीके से रखेंगे, फिर वो अपनी जो लोकल डिमांड नालियों वगैरह की या फिर सिंपल रोड्स वगैरह की उससे बाहर निकलेंगे, फिर वो टेक्नोलॉजी की डिमांड करेंगे कि हमारा जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके, और उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सर पाकिस्तान में 4G अभी ठीक से नहीं आता और इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया है और जल्द ही वो 6G भी लॉन्च करने वाले हैं, क्या कहेंगे हम टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों, इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज और सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर 4G भी ठीक से नहीं आता, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो 5G मतलब एडवांस में चले गए हैं और 6G में भी वो आने वाले हैं। इसके लिए ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है उनका मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो बज़ाहिर लगता है वो यही है कि एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे और दूसरे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं शायद वो भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हम इस चीज़ में थोड़ा अपना काम कर रहे हैं और ना हम उन चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं उस तरह से। अच्छा अगर हम प्राइस कंपैरिजन भी करें तो इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो अपनी आवाम को जो है इंटरनेट की फ्री सहूलियात फ्राहम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में देखें पहली बार तो इंटरनेट आता ही नहीं है, और जब आता है तो उनके प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं, पैकेजेस अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। आप एक मूवी डाउनलोड कर लें या आप थोड़ा सा कोई उसके ऊपर रिसर्च करें तो आपका सारा का पैकेज उड़ जाता है, मतलब आप 3,000 का एक पैकेज लेते हैं महीने में, वो भी 15 दिन से पहले ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं किसी से वो परचेज़ करने में, जो हमारे जो इंटरनेट की सहूलियात हैं शायद चाइना से या किसी और उस वजह सेटेलाइट जो है ना वो हमारे नहीं है, शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे वो पैकेजेस भी सस्ते हैं और उसका कंजम्पशन का रेट भी होता है क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, वो कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अपना लो इंटरेस्ट रख के या वो अपना वो मार्जिन रख ले लेती होंगी उनसे, एज़ कम्पेयर टू हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़रा कम है, तो इस वजह से शायद मेरा मुझे ये लगता है कि शायद इसका यही वजह होगी कि वो उनको दे रहे हैं। और हाँ पैकेजेस निगोशिएशन हो सकती है इस चीज़ पे, बेसिक चीज़ वही है ना, जितनी यहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही हैं उनका भी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो उस चीज़ को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्वान्टिटी तो बाद की बात है, तो पैसे में तो कोई इशू नहीं है, वो तो भर देता है बंदा, लेकिन यह चीज़ है कि कुछ कंज्यूमर फ्रेंडली होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। सर दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम अपनी आवाम को एक इंटरनेट नहीं दे पा रहे, फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हिंदुस्तान से अपना मुकाबला करते हैं, टेक्नोलॉजी में आप देख लें कि हम कितना पीछे हैं, एक मतलब आज जो दौर है ना वो मतलब टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट ने हर दुनिया के कोने को दूसरे को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, फिर हर मुल्क आपस में अच्छे टर्म्स बना रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे कहीं पीछे रह गया। हाँ जी बिल्कुल, ये सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न तो है हमारे लिए कि टेक्नोलॉजी आज के कल के दौर में वो नेसेसरी होगी जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उसके लिए हमें भी यही चाहिए कि इस पे काम करें। अब इंडिया की अगर हम बात करें कंपैरिजन में, अब उनका जो बेंगलोर सिटी आई थिंक सो वो सिलिकॉन सिटी है, आईटी का एक हब है, और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह हो, यहाँ पे अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो कोई अरफा करीम टावर होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना, अगर वो काम कर रहा होता तो शायद कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मेरा ख्याल है कि काम करने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स हैं चाहे वो इंटरनेट की जो कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, उसके अलावा हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल से मेरे ख्याल में इस पर काम होना चाहिए, और आजकल तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम हो रहा है तो इसके लिए इंटरनेट वाकई में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। यहाँ पर आईटी का स्कोप होता या आईटी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस होती तो हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर रहकर काम करते, दूसरे मुल्कों में भागना पसंद ना करते। आप मुझे बता दें यहाँ पर आप कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख रहे हैं काम करते, कितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं लाहौर में, मुझे आप बता दें।
बिल्कुल ऐसी आपकी बात ठीक है, बहुत कम है क्योंकि वो बाहरी मतलब गल्फ सिटी कंट्रीज़ या किसी और जगहों पे मूव करना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अब देखें ना, जब हम हैं ही 4G पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, कोई वैल्यू एडिशन करेंगे इनमें और मौके ज़्यादा होंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी यहाँ पे काम करेंगे, और जॉब का तो आपको पता ही है, पे पैकेजेस का भी पता ही है, तो इसलिए वो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के काम करना पसंद करेंगे बाहरी। तो वही बात है कि यहाँ पे अगर इस पे फोकस की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी आवाम, हमारे ग्रेजुएट्स भी यहीं पर रहेंगे, काम भी करेंगे, एट द एंड जो उसका फ़ायदा होगा वो कंज्यूमर्स को होगा। सर इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी डेफिनेटली, आप तो इंटरनेट तो ऐसे ही है जैसे आप खाना खाए बगैर नहीं रह सकते या ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, तो मोबाइल आपके लिए ऐसे ही है, उसके बगैर जीना मरना आपका मुश्किल ही हो गया। मुझे ये बताएं कि कौन सा जी आता है आपके फ़ोन में? हमारे तो इस वक्त 4G ही चल रहा है, वो 5G मोबाइल सपोर्टेड नहीं मेरे पास, तो पाकिस्तान में आई थिंक 5G लॉन्च हो चुका है लेकिन सिग्नल्स का अभी तक कोई नज़र नहीं आया कहीं पर, क्योंकि बाकी 5G भी है यहाँ पर। मोबाइल आ चुके हैं 5G, लेकिन अभी 5G आया नहीं है पाकिस्तान। सही है, लेकिन 5G उन्होंने जो सेल कर चुके हैं उसके मतलब अब मोबलिंग के पास है, राइट्स जोन के पास है, शायद यूफोन के भी पास चले गए अब, लेकिन ये बेसिकली आ जाती है बात कि जो अच्छे मोबाइल जिनके पास है वो भी इससे महरूम है। अच्छा। और जिनके पास नहीं है वो तो वाकई उनको तो कहना चाहिए ना महरूम है। जब 4G ही नहीं पाकिस्तान में है तो 5G कैसे चल सकता है? देखिए जी, ये हमारी एक बड़ी एक दीनी सी आ जाती है लॉजिक कि हम 5G लॉन्च क्यों नहीं कर रहे, तो उसके पीछे कहते हैं जी वायरल जो हमारी डिजीज़ चल रही थी कोरोना के हवाले से वो 5G के साथ लिंक्ड है। अच्छा। तो उस हवाले से जब तक ये एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा तो 5G टेक्नोलॉजी आप कैसे वो लॉन्च कर सकते हैं जबकि उसका एक लिंक आपके बॉडी के साथ भी हो जाएगा। सर ये मुझे कुछ समझ नहीं आई बात, आप कंफ्यूज हो गई। अब रिसेंटली आपने नोट किया होगा इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है, शायद कल हुआ है, और उन्होंने 5G प्रॉपर लॉन्च की है पूरी कंट्री में ना। सही है, सही है। हमारे यहाँ पे 5G लॉन्चिंग की कोई सेरेमनी नहीं हुई, सिर्फ उसकी सेल के वाले से सुना था कि PTA ने शायद उसके राइट सेल किए, उसके बाद 5G कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। इसके बाद कोविड आया, कोविड में इस वक्त जो इंटरनेशनल जो मीडिया दिखा रहा था कि जहाँ जहाँ पर भी 5G की टेक्नोलॉजी चल रही है वहाँ पर इसके कोविड के समझ लें कि ज़्यादा इन्फेक्टेड आए हैं पेशेंट्स, और इस हवाले से जो लोगों ने मुख्तलिफ अपनी थीसिस वगैरह लिखी हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं काफ़ी, तो उसमें भी यही कहा गया है कि 5G या 5G के बाद 6G भी होगी तो ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी जो बॉडी है ना गेन करती है उससे ज़्यादा है, तो उससे ये होता है कि जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी बॉडी या ब्लड क्लॉटिंग होगी तो उससे आपके अंदर वो एक डिजीज़ या वायरल एक इन्फेक्शन डेवलप होगा जिसको कोविड कह लें या कोई भी कह लें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी 6th जनरेशन को वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस सारे हवाले से? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यहाँ पर सही से 4G भी चला नहीं पा रहे। देखिए इसमें हमारा फॉल्ट सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल एक गैप रहा है ना पिछले कोई 30-35 साल से, ये सारा उसके ऊपर हम ब्लेम करते होते हैं। नॉर्मली वैसे कसूर तो हर बंदे का इंडिविजुअली होता है क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे अपने मसाइल अपने मामलात को सही तरीके से अगर लुक आफ्टर करे और गवर्नमेंट भी ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाएगी। इंडिया में ये है कि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होंगे लेकिन उन्होंने अपना जो एक बजट रखा हुआ है अपना इसको कह सकते हैं इकोनॉमी के हवाले से या IT के हवाले से वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं और उसको बाकायदा वहाँ पर उस पर काम भी होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बैकअप्स चलते हैं, सेटबैक्स हो रहे होते हैं, काम नज़र नहीं आता, 10% के चक्कर में वो पूरा 90% भी चला जाता है। अब हमारे पास आरफा क्रीम एक अच्छी स्टूडेंट थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अपना खून दे के एक टावर ही बना के गई है, वहाँ पे भी आप देखें तो IT से रिलेटेड कुछ काम तो नहीं हो रहा, वहाँ पर वो सारे अनएम्प्लॉयड बच्चे बैठे हुए हैं और टेबल भी वो परचेज़ करके वहाँ पर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई फैसिलिटेशंस नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे कि गवर्नमेंट अगर एक टैलेंट है तो उसको यूटिलाइज़ करके अच्छे तरीके से उससे एक समझ लें कि उसकी एक इनकम जनरेट हो सकती है उससे। अच्छा सर, एक अगर हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ इंडिया की बात ही मैं करूँगी, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियत फ्री में मिलती हैं, बसेस में, मॉल्स में, आपको होटल्स में सर्विसेज फ्री में मिलेंगी, इवन कि आपको ट्रेन्स में सर्विसेज बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में, लेकिन पाकिस्तान की कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई पार्क, कोई मॉल जहाँ पे आपको इंटरनेट की सर्विसेज
मुफ्त में मिले, और यहाँ पर जो पैकेजेस मिलते हैं वो भी इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले वो पैकेजेस ख़त्म हो जाते हैं। यही बात आ रही है ना कि हमारे यहाँ पे टैक्सीज का जो सिस्टम है वो इतना इम्प्रूव नहीं कर सके अभी तक कि देखें, पहले हम जब 2G पे थे उस वक़्त तो आपके मोबाइल में SMS भी फ्री थे और फ्री कॉल्स के मैसेजेस भी आते थे। अब जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट आई है, हालांकि अच्छी एक कंपनीज बिल्ड हो गई, उनका सेल वॉल्यूम भी बढ़ गया है, उनके पास कस्टमर्स भी लातादाद हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आ जाता है कि आपकी FBR के साथ जो टैक्सीज के वाले से जो उनकी चल रही है, और कुछ इसका बैकअप कह लें कि इसका सेटबैक कह लें कि हर कंपनी यहाँ पे आज़ाद है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर मोबलिंग या जूम जो भी नेटवर्क है वो अपना कोई भी पैकेज लॉन्च कर रहा है तो उसके ऊपर PTA का कोई राइट्स नहीं होता या गवर्नमेंट का राइट्स होता, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी पैकेज हो जितनी मर्जी, बल्कि इवन के अब तो हिडन चार्जेस के मद में कई चार्जेस हो जाते हैं, पैकेज आपने नहीं एक्टिवेट किया तो आपके चार्जेस कट जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पर हमारा जब तक प्रॉपर कानून कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक ये चीज़ ऐसी रहेगी, तो इसको हम अपनी मैनेजमेंट के ऊपर ही डाल सकते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और ये चीज़ें हमारे भी फ्री हो सकती हैं, और थी पहले किसी दौर में, मतलब हमारे काफ़ी जगह पे हम मतलब स्टूडेंट्स रहे हैं जब उस वक्त इसको अवेल भी किया, तो अब अनफॉर्चुनेटली वही मामला था कि हर बंदा आज़ाद है, उसको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है, तो उसको तो अभी फ़िलहाल अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू रहता है, और जिनके पास अगर ये है पोजीशन के वो इसको सही कर सकते हैं वो भी अपने वो कमीशन के चक्कर में हर चीज़ को आज़ाद छोड़ के बैठे हुए हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कि पाकिस्तानी किस हद तक मायूस और नाराज़ हैं पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विसेज को लेकर। उनका यही कहना था कि दुनिया चांद पर पहुँच चुकी है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इंटरनेट की सहूलियात भी बहाल नहीं हो सकी। आपकी इस वाले से क्या राय है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।